हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल वी एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ सीरीज अबाउट पोल्ट्री डिजीजेस। सो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी सीरीज में डिजीज़ आती है वो आती है न्यूकैसल डिजीज़। ये बहुत बड़ी डिजीज़ है पोल्ट्री पैथोलॉजी में, मतलब पोल्ट्री में, चिकन्स में, फार्म्स में। तो इसे हम एनडी डिजीज़ भी कह सकते हैं और उसके साथ साथ इसे हम रनीखेत डिजीज़ भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रनीखेत डिजीज़ कौन सी होती है, तो न्यूकैसल होती है। यह भी पूछा जाता है कि न्यूकैसल डिजीज़ का सेनानाम क्या है या दूसरा नाम क्या है, तो उसे हम रनीखेत कहते हैं। तो रनीखेत क्यों कहते हैं वो भी हम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम उसके क्लिनिकल साइंस, हिस्ट्री, ट्रांसमिशन और बहुत मेजर जो इसका कनेक्टेड है वो है पोस्टमार्टम लेशंस क्या होते हैं न्यूकैसल डिजीज़ के। तो चलें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि न्यूकैसल क्या है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, एग्ज़ाम में भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज़ में, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन इसकी ये है कि ये वायरल डिजीज़ होती है। ये वायरल डिजीज़ होती है, ये इफ़ेक्ट करती है हमारे चिकन्स पे, जो हमारे फार्म में चिकन्स हैं या चिकन का फ्लॉक है उस पर ये इफ़ेक्ट करती है। इसमें क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी साइंस और सिम्टम्स होती हैं, किस चीज़ पर इफ़ेक्ट करती है न्यूकैसल डिजीज़, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम चिकन के, नर्वस सिस्टम और उसके साथ साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम पे ये इफ़ेक्ट करती है चिकन के न्यूकैसल डिजीज़। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और इसकी जो मोर्टलिटी होती है, मतलब रेशो ऑफ डेथ जो होती है इसकी, मतलब वो हाई होता है न्यूकैसल डिजीज़ का। इसमें मॉर्बिडिटी रेट, मतलब इलनेस जो होती है, जो चिकन्स बीमार होते हैं वो कम होते हैं, मगर उनकी डेथ जो है इस डिज़ीज़ में ज़्यादा हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। और इसके बाद हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि ये कब से शुरू हुई है और अभी इसका जो रनीखेत हम बोल रहे हैं, रनीखेत नेम है इसका, वो क्यों आया हुआ है। हिस्ट्री में ये है कि ये पहले जो है 1926 और 1927 में इंडोनेशिया और इंग्लैंड में पाई गई थी। सबसे पहले जो डिज़ीज़ थी इंडोनेशिया और इंग्लैंड में पाई गई थी न्यूकैसल डिज़ीज़। उसके बाद हमें इसे रनीखेत क्यों कहते हैं कि ये जो डिज़ीज़ है, ये इसके जो आउटब्रेक थी या जो केसेस थे वो इंडिया और यूके में ज़्यादा देखे गए थे। रनीखेत जो है वो सिटी है इंडिया का, इसलिए हमने इसका नेम जो है रनीखेत लिख दिया था, इसलिए हम इसे रनीखेत कहते हैं। इसकी एटियोलॉजी क्या है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आता है। एटियोलॉजी हम कहते हैं कि रनीखेत को कौन सी वायरस काज करवाती है, मतलब कॉजेटिव एजेंट क्या है रनीखेत का, एटियोलॉजी क्या है इसकी। तो दिस डिजीज़ काज बाय पैरामेक्सो वायरस टाइप वन। पैरामेक्सो वायरस टाइप वन क्या है, ये एक वायरस है जिससे न्यूकैसल डिजीज़ मतलब काज होती है, मतलब पैरामेक्सो वायरस जो है काज करवाता है न्यूकैसल डिजीज़ को। यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अभी हम पढ़ेंगे इसकी ट्रांसमिशन रूट इसका क्या होता है न्यूकैसल डिजीज़ का, क्योंकि जब भी हमें एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसमें पूछा जाता है कि न्यूकैसल डिजीज़ लिखें, उसकी हिस्ट्री लिखें, उसकी ट्रांसमिशन, क्लिनिकल साइंस, ये पूरा का पूरा हमें लिखना होता है। तो ट्रांसमिशन पे भी हम जोर देंगे कि ट्रांसमिशन भी हमें क्लियर हो जाए। ट्रांसमिशन इस डिजीज़ में जो है दो तरीके से होती है, एक होती है बिटवीन द फ्लॉक, दूसरी होती है विद इन द फ्लॉक। मतलब एक बिटवीन द फ्लॉक मतलब चिकन्स के फ्लॉक जो होते हैं उसमें, और दूसरी विद इन द फ्लॉक वहाँ से कैसे ट्रांसमिट होती है, ये दोनों रूट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बिटवीन द फ्लॉक में जो ये ट्रांसमिशन होती है, अगर जो हेल्दी हमारे बर्ड्स हैं या चिकन्स हैं उसमें हम कोई इन्फेक्टेड बर्ड ऐड करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा फ्लॉक जो है वो कंटामिनेशन हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा जो फ्लॉक है वो हमारा जो इफ़ेक्ट हो जाएगा न्यूकैसल डिजीज़ से। नंबर वन पॉइंट ये है। दूसरी ये है कि पोल्ट्री प्रोडक्ट्स ऑफल्स फ्राम इन्फेक्टेड बर्ड्स। अगर कोई बर्ड जो है हमारा इन्फेक्टेड है तो उसकी जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ऑफल्स जो हैं, लिवर है, हार्ट है, किडनी है, वो हम रखेंगे हमारे हेल्दी बर्ड्स के साथ, तो वो भी हमारे इन्फेक्टेड हो जाएंगे हेल्दी बर्ड्स जो हैं इस रूट से। दूसरी होती है क्लॉथिंग या फुटवेयर ऑफ विजिटर्स। अगर कोई फार्म पे विजिटर्स आते हैं, क्लॉथिंग या फुटवेयर जो उन्हें पहने होते हैं उसी से भी ये ट्रांसमिट हो जाती है डिजीज़। उसके साथ साथ एरोसोल जो है ये प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है विद इन द फ्लॉक का, ये विद इन द फ्लॉक है। विद इन द फ्लॉक में कैसे ट्रांसमिट होती है, नंबर वन होती है कंटामिनेशन। अगर फीड या उसको जो हम वाटर दे रहे हैं चिकन्स को, उसमें कोई कंटामिनेशन आ गई है या कोई बाहर वाली चीज़ आ गई है, और उसके साथ साथ एरोसोल प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। यह भी मेन पॉइंट है फिल इन द ब्लैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि एरोसोल प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच डिजीज़, वो हम लिख लेंगे कि वो न्यूकैसल डिजीज़ में होता है, ये प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। उसके साथ साथ हम इसकी क्लिनिकल साइंस देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा ये हमारे फ्लॉक को जो है न्यूकैसल डिजीज़ हो चुकी है। तो क्लिनिकल साइंस दो टाइप की होती है, हम मैंने जैसे आपको बताया कि जो न्यूकैसल डिजीज़ होती है रनीखेत
वो हमारे नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। तो हम मैंने यहाँ क्लिनिकल साइंस भी दो हिस्सों में डिवाइड किए हुए हैं, रेस्पिरेटरी साइंस के अलग लिखें, नर्वस साइंस जो हैं अलग लिखें। रेस्पिरेटरी साइंस में जो हमें पहली साइंस नज़र आती है कि उसकी जो रेस्पिरेशन होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके साथ साथ जो म्यूकॉइड होता है वो डिस्चार्ज होता है बीक से, जो चिकन की पहले वाली बीक होती है उसी से जो हमें म्यूकॉइड डिस्चार्ज होगा, मुंह से नहीं होगा बीक से होगा, और उसकी जो आईज़ हैं थ्रोट है फेस है वो स्वेल करके जाएगा, जैसे इन्फेक्शस कोरीज़ा वायरस होती है हमारी, वो भी मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़वाऊँगा। तो उसमें फेस जो है पूरा का पूरा आगे वाला हिस्सा स्वेल करके जाता है, तो इसमें भी रेस्पिरेटरी साइंस में आईज़ थ्रोट और फेस जो है स्वेल हो जाएगा चिकन का। उसके साथ साथ जो इफेक्टेड बर्ड्स हैं वो अपनी बैक वाली साइड पे गिर जाएंगे नीचे, और उसके साथ साथ उसकी डेथ हो जाएगी। किसकी वजह से? क्योंकि उसकी जो रेस्पिरेशन है वो फेल हो जाएगी। ये जो है रेस्पिरेटरी साइंस हैं। अभी हम पढ़ेंगे नर्वस साइंस। नर्वस साइंस में क्या होता है, जो चिक होता है उसका अपना कंट्रोल नहीं होता हेड और नेक पे, मतलब उसमें डिजी फील करता है, उसके हेडेक हो जाता है, मतलब उसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, उसका हेड और नेक जो होता है उस पर कंट्रोल अपना नहीं होता नर्वस साइंस में, इनकोऑर्डिनेशन हो जाती है, ये सिम्टम्स हैं। उसके बाद जो लेग्स हैं वो कम्प्लीटली पैरालिसिस हो जाती हैं नर्वस साइंस में, और जो सिलेविया है वो बीक है। इसमें हमने पढ़ा ये इनमें डिफरेंस क्या है रेस्पिरेटरी और नर्वस साइंस में, कि जो म्यूकॉइड डिस्चार्ज हो रही थी बीक से हो रही थी, तो नर्वस साइंस में जो सिलेविया है वो बीक से निकलेगी, मुंह से नहीं निकलेगी, जो बीक से निकलेगी, क्योंकि जो स्वाल्विंग की कैपेसिटी है उसमें नहीं होगी। नर्वस साइंस में जो स्वाल्विंग की कैपेसिटी होगी एनिमल में, अगर कोई चीज़ खाएगा तो वो अंदर नहीं जाएगी, मतलब बाहर बीक से ही वो निकल जाएगी। उसके साथ साथ उसकी जो थर्स्ट है प्यास है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, कमज़ोरी हो जाएगी, और डायरा जो है उसे ग्रीनिश डायरा आएंगे। ये जो है नर्वस साइंस हैं, ये हमें याद रखनी है कि हम पहचान सकते हैं कि इस हमारे चिकन को जो है वो न्यूकैसल डिजीज़ हो चुकी है। अभी हम पढ़ेंगे उसका पोस्टमार्टम लेशंस, ये मेजर टॉपिक है, मतलब मेजर इसका हिस्सा है कि हमें पता चलेगा अगर कोई हमारा एनिमल फार्म हमारे चिकन जो है फार्म पे उसकी डेथ हो चुकी है, तो हम उसका पोस्टमार्टम करके पहचान सकते हैं कि कौन कौन से हमें वहाँ पे ऑर्गन्स दिखेंगे कि हमें पता चले कि इसे न्यूकैसल डिजीज़ हो चुकी थी। जो चलें पोस्टमार्टम लेशंस पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे पोस्टमार्टम लेशंस ऑफ न्यूकैसल डिजीज़, ये मेजर टॉपिक होता है। ये ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि न्यूकैसल डिजीज़ के सिर्फ ही सिर्फ पोस्टमार्टम लेशन लिखें, तो पोस्टमार्टम लेशन हमें पढ़ना है। पोस्टमार्टम लेशंस कैसे होते हैं, मतलब जब भी किसी चिकन की डेथ हो जाएगी तो हमें पता नहीं चलता कि ये किस वजह से मर चुका है, तो हमें डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जल्दी हम उसका पोस्टमार्टम कर दें, ताकि पता चले कि ये जो चिकन की डेथ हो चुकी है वो जो है किस वजह से हुई है, उसमें कौन सी डिजीज़ आई है, ताकि हम दूसरे चिकन्स को बचा सकें। तो इसलिए हमें पोस्टमार्टम लेशंस पता होने चाहिए न्यूकैसल डिजीज़ के। सबसे पहले जो होता है, जो हमारी ट्रेकिया होती है चिकन की, वो रेड हो जाती है। जैसे हम ओपन करेंगे हमें ट्रेकिया जो है रेड नज़र आएगी, और जो लंग्स हैं वो स्वेल नज़र आएंगे, कंजेशंस होगी उसमें लंग्स में। उसके साथ साथ जो हेमोरेजिस हैं या लेशंस हैं वो गट में हमें नज़र आएंगे, फेरेंक्स और लेरेंक्स में लेस फ्रीक्वेंटली होंगे हेमोरेजिस, मगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चिकन के गट में हमें हेमोरेजिस नज़र आएंगे। उसकी जो हेमोरेजिस की शेप होगी वो ब्लेब लाइक होगी, ये भी याद रखना है, ब्लेब लाइक शेप होगी। और जो है ब्लूइश या रेड लेशंस हमारे चिकन्स के इंटेस्टाइन में हमें नज़र आएंगे, लेशंस इंटेस्टाइन में कौन से नज़र आएंगे, ब्लूइश रेड लेशंस इंटेस्टाइन में नज़र आएंगे चिकन्स में। स्प्लीन जो होगी इनलार्ज हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी स्प्लीन, और जो ब्रेन होगा वो भी स्वेल करके जाएगा चिकन का, कंजेशंस उसमें हो जाएंगी, और जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें फ्लूइड योग मटेरियल आ जाएगा, मतलब एब्डोमिनल कैविटी जो चिकन को होगी उसमें फ्लूइड योग मटेरियल आ जाएगा, ये भी याद रखना है। और उसकी जो आईज़ हैं वो क्लाउडी हमें नज़र आएंगी, क्लाउडी मतलब उसमें अंधेरा नज़र आएगा, और सही से वो ओपन नहीं कर पाएगा चिकन, तो हम समझ सकते हैं कि ऐसे जो चिकन है वो मर चुका है, वो थ्रू द न्यूकैसल डिजीज़। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में किसी और डिजीज़ के साथ आएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।